हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट निमोनिक ट्रिक से जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इनको याद करेंगे, बिकॉज इस टॉपिक पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड जो ये सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको याद करना बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है कि किस कंट्री से हमने कौन सा आइडिया या कौन सा फीचर लिया है। टोटल बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनने टोटल 10 कंट्रीज़ के रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आइडियाज़ या इंस्पिरेशन लिए हैं देन उनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। एंड ये 10 कंट्रीज़ हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इससे भी हमने कुछ फीचर्स या कुछ आइडियाज़ लिए हैं। नाउ पहले हम ये 10 कंट्रीज़ याद करेंगे। तो पहली कंट्री है कनाडा, उसके बाद है यूएस। तो ये दोनों कंट्री नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट की दो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने कुछ सोर्स या कुछ आइडियाज़ या कुछ इंस्पिरेशन ली है। इस तरह से अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो ये चार कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, यूके, आयरलैंड एंड फ्रांस। तो ये यूरोप कंटिनेंट की चार कंट्रीज़ हैं, इनसे भी हमने कुछ आइडियाज़ या ये जो सोर्स है ये हमने यहाँ से भी लिया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ सोर्स लिया है। तो जो साउथ अफ्रीका है ये अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके बाद अगर हम एशियन कंटिनेंट की बात करें तो एशियन कंटिनेंट में जो कंट्रीज़ है उनसे हमने दो कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ से हमने कोई सोर्स लिया है। एक है यूएसएसआर, अभी प्रेजेंट में रशिया कहते हैं, एंड जापान। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नाउ अब हम एक शॉर्ट निमोनिक ट्रिक से देखेंगे कि इन 10 कंट्रीज़ में से हमने किस कंट्री से कौन सा फीचर या कौन सा आइडिया लिया है। अब फर्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा वो की बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सिटीजनशिप बहुत इजीली मिलते हैं यहाँ पे। अब जो निमोनिक ट्रिक बनेगी दैट इज़ फ्रेंडली रेजिडेंट एडवाइस अपॉइंटमेंट, क्योंकि कनाडा बहुत फ्रेंडली कंट्री है। तो फ्रेंडली रेजिडेंट एक फ्रेंडली रेजिडेंट था उसने मुझे एडवाइस दी अपॉइंटमेंट की, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंडली से निकलेगा ऐप, तो ऐप से आएगा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। उस तरह से रेजिडेंट से रेजिडरी पावर्स वेस्टिंग इन सेंटर, ये फीचर आया कनाडा से। एडवाइस से निकलेगा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट से आप याद रख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। तो सेंटर को जो भी फीचर जो भी आइडिया स्ट्रॉन्ग बना रहा है वो हमने कहाँ से लिया है, वो फीचर कनाडा से लिया है, सी फॉर कनाडा सी फॉर सेंटर। अब कनाडा या इंडिया में सेंटर को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया जा रहा था, रीज़न क्या था? जैसे इन्हों की इंडिया में देखो यहाँ पे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी फेडरेशन यानी सेंटर को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, बट सेंटर को ज़्यादा पावर है। अब ऐसा फीचर क्यों है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया जा रहा था? रीज़न ये था कि जैसे हमारे इंडिया में उन्हों के बहुत सारे ब्रिटिश प्रोवेंसेस थे, तो उसके बाद आधे जो प्रोवेंसेस थे वो इंडिया में जाना चाहते थे, आधे पाकिस्तान में रहना चाहते थे, आधे इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे उस टाइम के होम मिनिस्टर, उसने बाई फोर्स जैसे हैदराबाद पर या जूनागढ़ पर बाई फोर्स उनको मर्ज किया। तो दैट्स वाई अब जो सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने इन स्टेट्स को रिसेंटली मर्ज किया था, तो नया मर्ज किया था। तो दैट्स वाई अब सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था ताकि यहाँ पे जो स्टेट्स है ये और यहाँ पे एट्रोसिटीज़ ना हो जाए, ये और कुछ डिमांड ना करें। सो दैट्स वाई सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट था। और सेम यहाँ पे जो कनाडा था वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रिटिश प्रोवेंसेस थे, उनको भी मर्ज किया गया था। सो दैट्स वाई वहाँ पे भी सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ अब जो ये टर्म्स है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडेंट पावर्स, मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आपने पढ़े होंगे, यहाँ पे हम सिर्फ निमोनिक ट्रिक्स देखेंगे। नाउ अब सेकंड कंट्री है यूएस। अब यूएस से हमने कौन से फीचर्स या कौन से आइडियाज़ लिए हैं, तो उनको याद करने के लिए जो निमोनिक ट्रिक बनेगी दैट इज़ 5 इंटेलिजेंट जजेस इम्पीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रीएम्बल। तो 5 इंटेलिजेंट जजेस को इम्पीच किया गया क्योंकि उन्होंने प्रीएम्बल को रिमूव करने की कोशिश की। अब ऐप से आएगा फंडामेंटल राइट्स, तो ये फीचर हमने यूएसए से लिया। आई से आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने यूएसए से लिया। जे फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये हमने यूएसए से लिया। इसके बाद इम्पीच से आएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, ये हमने यूएसए से लिया। आर से आएगा रिमूवल, से आएगा रिमूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड रिमूव ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। एंड प्रीएम्बल से आएगा प्रीएम्बल, तो ये फीचर्स हैं ये हमने कहाँ से लिए, यूएसए से। नाउ अब जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज़ जर्मनी। अब जर्मनी से हमने कौन सा आइडिया लिया है, दैट इज़ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम्स। तो आप याद रख सकते हैं उन्होंने कि जो हिटलर था वो जर्मनी से था, तो हिटलर ने सस्पेंड किए थे फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम्स। नाउ अनदर कंट्री इज़ यूके। अब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने फीचर्स हैं जो हमने आइडियाज़ लिए हैं उनको याद करने के लिए जो निमोनिक ट्रिक है दैट इज़ प्लीज़ रिमेंबर लिटिल सैलोन कैन नॉट प्ले पियानो। प्लीज़ आप याद रखो जो लिटिल सैलोन है ये पियानो नहीं बजा सकता। पी फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आर फॉर रूल ऑफ लॉ, एल फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एस फॉर सिंगल सिटीजनशिप, सी फॉर कैबिनेट सिस्टम, पी फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइक्रिमिनलिज्म एंड बाइक्रिमिनलिज्म, पी फॉर प्रेरोगेटिव राइट्स।
नाउ अनदर कंट्री इज आयरलैंड। अब वी नो कि जो आयरलैंड की क्रिकेट टीम है वो कभी भी फाइनल में नहीं पहुँचती है। अब ऐसे याद रख सकते कि डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड से आयरलैंड की क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुँचा दिया। तो डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड आपको याद रखना है, नोमैनिक ट्रिक। तो डीफा DPSP दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड फॉर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। तो ये तीन आइडियाज़ हैं जो हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ अनदर कंट्री इज फ्रांस। अब फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से आइडियाज़ लिए हैं, आप ऐसा याद रख सकते हैं ये नोमानिक ट्रिक कि फ्रांस में वो कि बहुत सारे एजेड लोग रहते हैं, तो आप उन एजेड लोगों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की बिल्डिंग में जाने के लिए उनको रैपिड लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो रैपिड लिफ्ट आपको नोमानिक ट्रिक याद रखनी है। तो आर फॉर रिपब्लिक एंड एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वालिटी एंड एफ आर फ्रेटर्निटी। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चार कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ ये हमने कहाँ से लिए, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ अनदर कंट्री साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से आइडियाज़ लिए हैं, तो जो निमोनिक ट्रिक है याद रखने के लिए, दैट इज़ अमेंडिंग इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। अब साउथ अफ्रीका आप ऐसे याद रखें कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूसली अमेंड करता रहता है मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन को। तो अमेंड से आएगा आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा से आपको याद रखना है इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये दो आइडियाज़ हमने कहाँ से लिए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ अनदर इज़ USSR और रशिया। अब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से आइडियाज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, बेसिकली हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमने इनको इंक्लूड किया था। अब आपको याद रखना है ऐसे ट्रिक कि रशिया यूक्रेन का भी वार चल रहा है, तो इसमें जो रशिया के लोग हैं उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं निभाए। तो अब आपको निमानिक ट्रिक जो है वो याद रखने हैं, दैट इज़ फंडामेंटल आइडियल्स। अब फंडामेंटल से आपको आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये आइडिया हमने लिया रशिया से। एंड आइडियल से आएगा आइडियल्स ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल। तो ये भी लिया हमने कहाँ से, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ अनदर इज जापान। अब जापान से हमने कौन सा आइडिया लिया है, दैट इज प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ अनदर कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से आइडियाज़ कौन कौन से फीचर्स लिए हैं, तो जो निमोनिक ट्रिक है याद रखने की, दैट इज कूल कैट्स फाइंड जॉय। अब वो कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत फेमस है, तो कंगारू से रिलेट करके आप कैट्स याद रख सकते हैं। तो कूल कैट्स फाइंड जॉय। एंड सी फॉर कंक्रेंट लिस्ट, सी फॉर कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एफ फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जे फॉर जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज। तो ये आइडियाज़ जो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। नाउ लास्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ से जो हमने आइडियाज़ लिए हैं उनको याद करने के लिए जो निमोनिक ट्रिक है, दैट इज़ 5 ओल्ड जजेस प्रेफर ईटिंग। एफ से आएगा फेडरल स्कीम, ओ फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर, जे से जुडिशरी, पी से पब्लिक सर्विस कमीशन, ई से एमरजेंसी प्रोविजन एंड ए से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। नाउ विद दिस हम इस सेशन को कम्प्लीट करते हैं। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।